जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग सोल्ड एज कमर्शियल लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए हम लोग समझेंगे कि इस स्टॉक में करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर समय यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहता है। किसी ने किसी भी प्राइस पे इस स्टॉक को उठाया हो, उसके पोर्टफोलियो में स्टॉक हमेशा और हमेशा नीचे की तरफ ही गया है। तो समझेंगे इस वीडियो में कि इस स्टॉक का जो शेयर प्राइस है ऊपर की तरफ जाने के इसके कोई चांसेज हैं कि नहीं, और अगर चांसेज हैं तो कब तक चांसेज हैं, हमें कब तक इसमें बने रहना है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उसकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, अगर अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो कम से कम कम लॉस में बाहर निकले, और प्रॉफिट मतलब उम्मीद और चांसेस यही रहेंगे कि प्रॉफिट के साथ बाहर निकले। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, स्टॉक को समझते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंपनी के काम से। किसी भी कंपनी में जब आप पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। यदि काम बढ़िया है तो फ्यूचर में उसकी कंपनी के शेयर प्राइस की डिमांड बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिससे कंपनी का फंडामेंटल भी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। लेकिन यदि काम कंपनी बढ़िया नहीं करती है, डिमांडेबल नहीं है उस कंपनी का काम फ्यूचर में आने वाले समय में, तो फिर फंडामेंटल भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में जाने लगता है। तो अभी समझते हैं कंपनी काम क्या करती है। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रेडिंग करती है वेरियस प्रोडक्ट्स में। अब ये वेरियस प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। नाम से स्पष्ट है कंपनी कमर्शियल सेक्टर में लगी हुई है। बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 6 करोड़ 7.3 लाख के आसपास है, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, जो कि बहुत कम है और इजीली इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आजकल लगभग 5 करोड़ 10 करोड़ वाले बहुत सारे लोग हैं अपने देश में, तो इजीली इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो पेनी स्टॉक को मैनिपुलेट करना आसान होता है, लेकिन पेनी स्टॉक में लोग जब पैसा लगाते हैं तो उनका मोटिव यही होता है कि उन्हें ऑपरेटर के साथ मिलकर पैसा कमाना है। यहाँ पे यदि ऑपरेटर के साथ आप गेम खेलेंगे तो आपका भी पैसा बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि पीई बहुत कम है। अब लोग देखेंगे पीई कम है तो चलिए बाइक कर लेते हैं, लेकिन बाइक करने के लिए सही लेवल का पता होना जरूरी है, जो लोग चार्ट पर समझेंगे। और बाइक करना है कि नहीं मैं वह भी बताऊंगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। तो जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, चाहे वो अच्छी कंपनी हो, पेनी स्टॉक हो, लार्ज कैप हो, उसमें पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ही माइनस में है। आपकी इक्विटी पे कोई रिटर्न ये कंपनी निकालकर नहीं देगी। शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से भी कम है, जबकि शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, उससे अच्छा माना जाता है। तो तमाम यहाँ पे देख काम तो बढ़िया नजर आया, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो अभी हम लोग समझते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कि 1 साल का कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। चार्ट पे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो चार्ट पे तो अभी देखने में यही समझ में आ रहा है कि स्टॉक अभी रेंज बाउंड में है, 30 पैसा से लेकर 32 पैसा इसी के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा है। हालांकि इसका डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है इस रेंज बाउंड का, लेकिन फिर भी काफी समय से इसमें है, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये स्टॉक इसी रेंज में रहता है, और इससे जब जब बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ये बात आपको समझना होगा, यानी कि स्पष्ट है कि इसके बाद जब ऊपर निकलेगा, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कहां तक ऊपर जाएगा, कम से कम ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसके डबल ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहां से देखेंगे तो हायर हाई ये बनाते हुए इस कंपनी का शेयर प्राइस जा रहा है। यानी कि आपका अगर इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आप समय दीजिए, होल्ड कीजिए चाहे जितना देर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये तय है कि प्राइस इस रेंज बाउंड से बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कम से कम इस कंपनी का शेयर प्राइस आप मान के चले कि 2 रुपए तक जाने का दमखम शॉर्ट टर्म में ये रखता है। तो आपको किसी भी लेवल पर आप बाई किया हो, 2 रुपए तक जाएगा तो आपको सारे लॉसेज उस समय तक रिकवर हो चुके रहेंगे, और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आगे होंगे। इसलिए आप होल्ड कीजिए, नया व्यक्ति अभी इस स्टॉक में बाई मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल काफी वीक नजर आता है। यहाँ पे जब क्वार्टरली रिजल्ट आप देखते हैं इसमें भी आप देखेंगे कंपनी का कुछ भी सेल्स नहीं हो रहा है, सेल्स लगातार 2 क्वार्टर से 0 हो रहे हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो नेट प्रॉफिट है अभी माइनस में है। जब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में कंपनी का हाल और भी ठीक ठाक नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेप्ट देखते हैं तो डेप्ट 11 करोड़ 29 लाख के आसपास है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व पैसा बिल्कुल नहीं है। रिजर्व यानी कैश पैसा कंपनी के पास होना चाहिए, यदि बुरे समय कुछ आए तो कंपनी सस्टेन कर सके। हालांकि थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिखा है, लेकिन सितंबर 2022 का डाटा है, अभी हम लोग 2024 में है। सितंबर 2022 में देखेंगे क्या हुआ था कि यहाँ पे माइनस में था, उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई। यहाँ पे कर्ज ज्यादा था, थोड़ा सा कर्ज कम हुआ, तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बेहतर नजर आ रही है। लेकिन कहने का मतलब है कि क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, और जब तक तो क्वार्टर्स के रिजल्ट 2-3 क्वार्टर तक अच्छे नहीं आएंगे तब तक हम ये नहीं समझते कि फंडामेंटल में कुछ बेहतर ग्रोथ हो रहा है। कंपनी में जब आप इन्वेस्टर्स देखते हैं, यानी कितने इस कंपनी में प्रोमोटर्स हैं, तो आपको देखिएगा कि प्रोमोटर्स तो इस कंपनी में बिल्कुल नहीं है। टोटल का टोटल शेयर्स कंपनी के जो है प्रोमोटर्स के पास ही
पड़े हुए हैं, लगभग 100% शेयर्स पब्लिक के पास है। ज्यादा मार्केट में शेयर्स भी नहीं है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात करें तकरीबन 60,000 के आसपास कंपनी के शेयर्स हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है बस वही इस स्टॉक में बना रहेगा, कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और जो काम का पैसा यदि आप लगा दिए हैं तो आप ज्यादा वेट भी नहीं करना चाहते तो आप बाहर निकल सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है। इससे रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।